हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करीब करीब बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें तो है बहुत सा क्वेश्चन है, करीब 30-40 क्वेश्चन होता है। तो 30-40 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो 5 क्वेश्चन बनाए और 5-6 क्वेश्चन और बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट को छोड़ने नहीं चाह रहे हैं, हर तरह का क्वेश्चन बनाने चाह रहे हैं जिससे कि सुविधा हो और कोई दिक्कत ना हो। हर टाइप का क्वेश्चन बनाने के बाद तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने में सुविधा होगी। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। d4y/dx^4 - y = cos x (cos hyperbolic x cos hx) है। तो ये दूसरे तरह का है क्वेश्चन, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म है d4y यानी d^4 - y (cos x (cos hx) ये है। अब इसका क्या करेंगे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन ए, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, m^4 - 1 = 0 और a^2 - b^2 के फॉर्म में लेंगे m^2 - 1 = 0। दिस इंप्लाई डेट क्या हो जाएगा, m^2 - 1 × m^2 + 1 = 0 और दिस इंप्लाइज क्या करेंगे, या सो डेट कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए सो डेट m^2 - 1 को इक्वेट करेंगे 0 से क्या हो जाएगा, m = +-1, स्क्वायर है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-1 और दूसरा क्या हो जाएगा -1 क्या होता है i² तो +-i हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो इतना हो गया रूट्स, 4 रूट्स आया। तो देयर फोर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा CF चारों का क्या अलग अलग होगा, ये तो है i का है इमेजिनरी है, तो यानी साइन क्या होता है इमेजिनरी का, α+iβ (α-iβ) यहाँ अल्फा क्या है 0 है, बीटा क्या है 1 है, तो यहाँ आई है लगा हुआ तो इसका यह हो जाएगा α0 यानी α+iβ होता है iβ (i×α-iβ) तो क्या है अल्फा है 0 और यहाँ बीटा है 1 केवल आई है, तो ये हो जाएगा यानी 0+-iβ यानी आई बीटा के बता बीटा की जगह पर क्या है 1। तो इस तरह से आएगा, इस तरह से समझ सकते हैं। तो या इसका क्या आ जाएगा, पहले तो इसका निकाल लेते हैं m+-1 का c1 e^+x 1x लिखाएगा और +c2 e^-x लिखाएगा, -1 के बदले -x और ये +e^(α) क्या है 0 × x और ये हो जाएगा c3 cos x + c4 sin x 1 है इसलिए 1x हो गया, यहाँ 1x लिखाएगा तो ये हो गया। तो यानी दिस इज इक्वल टू क्या हो गया c1 e^(x) + c2 e^-x प्लस 0 हो गया e^0 क्या 1 हो जाएगा, तो यानी c3 cos x + c4 sin x
ये हो गया वो, ये मेरा क्या हो गया सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ नाउ पी आई इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल वन बाय फंक्शन ऑफ डी यानी डी फोर माइनस वन, यहाँ है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ये कॉस एच एक्स लिख दीजिए, कॉस एच एक्स ये लिखाएगा वन बाय फंक्शन ऑफ डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वन बाय डी फोर माइनस वन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एच एक्स का क्या होता है हाइपरबोलिक का क्या होता है फॉर्मूला ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, यही होता है कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वन बाई टू बाहर कर लेते हैं वन बाय टू, और ये हो जाएगा वन बाय डी टू द पावर फोर माइनस वन ई एक्स कॉस एक्स प्लस हाफ तो निकाल लिए बाहर सबका, और फिर हो जाएगा वन बाय डी टू द पावर फोर प्लस वन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आप लिखा लिखेगा, पहले तो हम ई एक्स का निकालेंगे फिर कॉस एक्स का निकालेंगे, क्लियर है। ई एक्स का क्या कैसे निकालते हैं एक्सपोनेंशियल का वन बाय टू, और ई एक्स इधर लिख देते हैं, इसका क्या है इनटू में ए एक्स होता है, ए मतलब वन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा वन बाय डी प्लस वन का पावर फोर माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस वन ऐड कर डी प्लस ए, जहाँ ए रहेगा डी ए प्लस ए, तो यहाँ हो जाएगा इंटू कॉस एक्स प्लस इसमें क्या हो जाएगा ई एक्स का इंटू ई एक्स यहाँ लिख देते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स वन बाय डी माइनस वन का पावर फोर आर प्लस वन इंटू कॉस एक्स, क्लियर है। अब इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू वन बाय टू ब्रैकेट में ई टू द पावर एक्स, और ये ब्रेक करेंगे किस पर बाइनोमियल थ्योरम पर डी एन यानी डी टू द पावर फोर रख देते हैं और प्लस हो जाएगा फोर सी वन, तो यहाँ आ जाएगा हमारा फोर सी वन फैक्टोरियल पर तोड़ेंगे फोर सी वन का एन सी आर फोर सी वन होगा फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल आर यानी फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल फोर माइनस वन फैक्टोरियल थ्री, तो यानी फोर हो जाएगा ये फोर डी पर पावर थ्री प्लस ये हो जाएगा फोर सी वन, फिर फोर सी टू आएगा, तो इसका फोर सी टू का निकालेंगे कितना आएगा सिक्स आएगा, फोर सी टू को फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल फोर माइनस टू और फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल फोर माइनस टू, तो टू टू जा फोर फोर कट जाएगा तो कितना बचेगा थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स बचेगा फैक्टोरियल फोर और ये सिक्स हो जाएगा सिक्स डी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा प्लस एन सी थ्री यानी फोर सी थ्री हो जाएगा यानी फोर हो जाएगा फोर डी पर पावर वन, और यहाँ माइनस वन है प्लस वन और माइनस वन, इतना हो जाएगा इसका ये कॉस एक्स। प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू यहाँ लिखाएगा वन बाय फिर उसी तरह से ब्रेक करेंगे इसका, इसका क्या आ जाएगा डी टू द पावर फोर माइनस हो जाएगा ये क्यूब है पावर तो हो जाएगा माइनस में यानी फोर डी क्यूब फोर सी वन हो जाएगा फैक्टोरियल पर टूटेगा ये बाइनोमियल थ्योरम पर, और फिर प्लस सिक्स डी स्क्वायर अब माइनस फोर डी और ये हो जाएगा माइनस वन अब प्लस वन माइनस में थे माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, क्लियर है। ये एन सी आर पर टूटेगा फोर सी वन फिर फोर सी टू फोर सी थ्री फोर सी फोर, तो फोर सी फोर यहाँ आएगा तो वह पावर वन रहेगा जितना रहेगा फोर सी फोर यानी पावर फोर रहेगा फोर सी थ्री यानी पावर थ्री रहेगा फोर सी टू पावर टू रहेगा, इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम पर हम
ब्रेक करते हैं, तो ये आ जाएगा इतना। अब दिस इज कॉस टू, वन बाय टू ई टू द पावर कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स। अब ये आ गया हमारा कितना, वन बाय डी टू द पावर फोर प्लस फोर डी क्यूब प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस फोर डी, इतना रहेगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, या ये कॉस एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, एक्स का जो है फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगा कॉस का, तो कॉस के फंक्शन कर देंगे, उसके बाद ये है वन बाय डी टू पावर फोर माइनस फोर डी क्यू प्लस सिक्स डी स्क्वायर माइनस फोर डी इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? अब आगे हम, अब यहाँ क्या होता है, स्क्वायर डी स्क्वायर में क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे यहाँ ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये था, या साइन ए एक्स प्लस बी, तो माइन डी पुट डी स्क्वायर इसकस टू, अब क्या करेंगे, पुट डी स्क्वायर इसकस टू माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या है ए वन माइनस वन का स्क्वायर पुट करेंगे, तो इधर पलटना पड़ेगा। अब इसमें हम पुट करेंगे किस में, डी फोर, डी फोर में हम पुट करेंगे कितना, यानी वन बाई टू दिस इज कस टू ए एक्स का फंक्शन हो गया, अब हम कर रहे हैं कॉस ए एक्स प्लस बी का फंक्शन, तो वन बाय ई एक्स, ई एक्स आइए वन बाय कितना हो जाएगा डी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे प्लस फोर डी क्यू, मतलब हो गया एक डी रहने देंगे, फोर डी इंटू डी स्क्वायर के बदले में माइनस वन का स्क्वायर पुट कर देंगे प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस वन का स्क्वायर, चूँकि एक जगह पर वन है, कॉस ए एक्स प्लस बी होता है, तो एक जगह पर वन है इसलिए वन पुट कर माइनस ए स्क्वायर पुट करना होता है, डी स्क्वायर इसका टू माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर पुट किए हैं पर यहाँ पर, अब ये हो गया प्लस फोर डी प्लस फोर डी, ये हो गया इंटू कॉस एक्स प्लस, सिमिलरली उसमें भी पुट करेंगे ई माइनस एक्स वन बाय कितना पुट करना होगा माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ डी क्यू में क्या था माइनस था, तो माइनस फोर डी इंटू माइनस वन का स्क्वायर और प्लस, उसके बाद प्लस है प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस वन का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस फोर डी, माइनस फोर डी इंटू कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स लिख देते हैं इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट इसको बंद कर देते हैं इंटू कॉस एक्स, ये हो गया वन बाय टू ई टू द पावर एक्स, वन बाय डी टू पावर फोर था तो डी स्क्वायर की जगह पर माइनस वन का स्क्वायर कर दिए, प्लस फोर डी क्यू था तो फोर डी इंटू माइनस वन का स्क्वायर, डी स्क्वायर के बदले हम माइनस वन का स्क्वायर करेंगे, माइनस ए स्क्वायर पुट करना रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला के अनुसार, प्लस सिक्स डी स्क्वायर था तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर डी कॉस एक्स, यहाँ पर क्या किए ई टू पावर माइनस एक्स, इसका खेल तो खत्म हो गया, पहले ही पुट कर दिए थे, उसके बाद कॉस एक्स में ए एक जगह पर वन है इसलिए डी स्क्वायर की जगह पर माइनस वन का स्क्वायर पुट करेंगे, उसी तरह सिमिलरली इसी तरह से पुट करेंगे इसमें, इसमें माइनस फोर डी क्यू था, फोर डी क्यू है तो फोर डी इंटू डी स्क्वायर की जगह माइनस वन स्क्वायर, अब प्लस सिक्स डी स्क्वायर था तब सिक्स इंटू माइनस वन स्क्वायर अब माइनस फोर डी। क्लियर है? अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे, दिस इंप्लाई डेट वन बाई टू आई इंटू ई टू द पावर एक्स, और वन बाय ये हो गया माइनस वन का स्क्वायर
वन ही होगा, तब माइनस का स्क्वायर वन हो गया, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस फोर डी, ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर डी, क्लियर है। और दिस इज इनटू कॉस एक्स प्लस ई टू पर माइनस एक्स, उसी तरह से इसमें भी आएगा वन बाय कितना आएगा माइन वन, ये माइनस वन यानी वन का स्क्वायर वन, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन माइनस, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस फोर डी, ये हो जाएगा ये माइनस वन स्क्वायर माइनस 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 प्लस फोर डी, ये माइनस का स्क्वायर माइनस यानी माइनस सिक्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ जाएगा माइनस फोर डी इंटू कॉस एक्स, क्लियर है। अब ये प्लस फोर डी या माइनस फोर डी कैंसिल, फोर डी या माइनस फोर डी ये कैंसिल, दिस इज कस्ट टू क्या हो गया वन बाय टू इंटू ई एक्स वन बाय, ये हो जाएगा माइनस फाइव कॉस एक्स और प्लस ई माइनस एक्स वन बाय कितना हो जाएगा माइनस फाइव कॉस एक्स। अब कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा माइनस वन बाय फाइव, कॉमन आ जाएगा कॉस एक्स, और ब्रैकेट में रह जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, और ये टू यहाँ चला आएगा बाय टू, ये हो गया किसका फॉर्मूला कॉस एच एक्स का, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव कॉस एच एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हाइपरबोलिक का हो गया ये फॉर्मूला, कॉस एच एक्स का फॉर्मूला होता है, तो ये आ गया। अब दिस इज इक्वल टू क्या हो गया देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू, पी आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा माइनस वन बाय फाइव कॉस एच एक्स इंटू कॉस एक्स, देयरफॉर हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस इज इक्वल टू सी कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू, इतना ही निकाले थे सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स, अब प्लस ये माइनस हो जाएगा वन बाय फाइव ये इंटू प्लस प्लस कॉस ये सी थ्री कॉस एक्स प्लस सी फोर कॉस एक्स, ये हो गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, प्लस प्लस के बदले में यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस वन बाय फाइव कॉस एक्स इंटू कॉस एच एक्स, यही हो गया हमारा आंसर, इंटू है इंटू यहाँ पर, ये हो गया आंसर। कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, और ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेवन पर, क्लियर है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर सेवन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों का अलग अलग जो बताने के कारण, अलग अलग रूल और उसका लिस्टेड एग्जांपल बताने के कारण एकदम इजी हो गया है बनाना, तो सेम मेथड है सब में, सॉल्व ये भी इम्पॉर्टेंट, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर इंटू वाई इसका टू टेन ए एक्स, एकदम डिफरेंट है, सो इसको आप कैसे बनाते हैं देखिए सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन इज द सिंबॉलिक फॉर्म में है ही, द गिवन इक्वेशन इज
क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इजकल्स टू टेन ए एक्स। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन ए इज क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल्स टू जीरो और एम स्क्वायर इजकल्स टू माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर अब माइनस के बदले में क्या लिखेंगे इजकल्स टू ए स्क्वायर आई स्क्वायर देयर फोर एम इजकल्स टू प्लस माइनस आई प्लस माइनस क्या आ गया आई ए। ये हो गया हमारा क्या चीज़ अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा, बीटा की जगह पर क्या है ए है तो अल्फा की जगह पर क्या है जीरो है तो हम पुट करेंगे देयर फोर कंप्लीमेंट्री फंक्शन इजकल्स टू सी वन ई टू द पावर जीरो एक्स ई टू द पावर ए एक्स लिखते हैं तो एक जगह पर क्या है हमारा अल्फा की जगह पर अल्फा है ई टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा की जगह पर जीरो है तो जीरो देंगे ई टू पावर तो वन हो जाएगा इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो सी वन कॉस ए एक्स, सी वन कॉस ए एक्स बीटा की जगह पर है ए इसलिए लिखेंगे सी टू साइन ए एक्स। फार्मूला यही होता है क्या होता है ई टू पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो बीटा की जगह पर क्या है हमारा ए है और अल्फा की जगह पर क्या है जीरो है तो जीरो दे दी तो देने की जरूरत नहीं ई टू पावर वन हो जाएगा जीरो होगा तो ये इतना ही हो गया। नाउ पी आई इज कस टू नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज कस टू दिस इज कस टू वन बाय फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी कितना है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यही है फंक्शन ऑफ डी इन टू फंक्शन ऑफ एक्स टेन ए एक्स टेन ए एक्स है दिस इज कस टू इसी को हम लिख सकते हैं वन बाय डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं टेन ए एक्स। इसको ये लाने में फैक्टर के लाने में फैक्टर फैक्टराइजेशन करने में ये होगा डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर के बदले माइनस वन होता है माइनस वन प्लस ए स्क्वायर हो गया तो इस यही फैक्टर आ जाएगा कितना वन बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए प्लस बी डी प्लस आई ए आई इंटू डी माइनस आई ए इंटू टेन ए एक्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट पेज में उसी को लिखेंगे दिस इम्प्लाइज बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शन उसी को पार्शियल फ्रैक्शन से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे भी बिना फ्रैक्शन का ही हो जाएगा अगर हम इस तरह से करते हैं टू आई ए से डिवाइड भी कर देंगे आई इससे क्या होगा वन बाय डी माइनस आई ए और माइनस वन बाई डी प्लस आई ए। इसको हम एलसीएम लेंगे यहाँ टेन ए एक्स लिख देते हैं इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा डी प्लस आई ए यहाँ लिखिएगा माइनस डी आप प्लस आई ए तो डी डी कैंसिल तो टू आई ए होगा ऊपर में आई ए इंटू रहेगा तो टू आई ए डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वन बाई डी माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए ही होगा। इसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन इसे मुझबानी हो गया बनाने की ज़रूरत नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ही हो जाएगा लिख दिए केवल बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो टेन ए एक्स हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे दोनों तो आ गया अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग वन बाय टू आई ए थोड़ा सा टफ है जिस कारण से ये इम्पोर्टेंट भी है तो देख लीजिए वन बाय डी माइनस आई ए इंटू टेन अलग अलग कर देते हैं टेन ए एक्स माइनस वन बाय डी माइनस डी प्लस आई ए इंटू टेन ए एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या है नाउ
वन बाय, ये पहले एक 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 के लेकर के चलते हैं, एक का हम इंटीग्रेट कर ये निकाल देंगे तो दूसरा का भी निकल जाएगा आसानी से। तो दोनों एक ही है, सेम चीज़ है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो नाउ वन बाय डी, एक लेकर चलते हैं, वन बाय डी माइनस आई ए टेन ए एक्स इजिकल्स टू, क्या करेंगे इसका, ये होता है वन बाय डी, अ फंक्शन ऑफ एक्स होता है, तो क्या होता है ई टू द पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन टेन ए एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स डी एक्स, ये फार्मूला है। फार्मूला पर इसको पुट कर दिए हैं, वन बाई डी फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स इसका टू ई टू द पावर आई आई एक्स होता थे, आई ए एक्स यहाँ ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स, तब माइनस से इसमें आ जाता है इंटीग्रेशन में। ये फार्मूला चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये फार्मूला है। तो इस तरह से दिस इम्प्लाई डैट ई टू द पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन टेन ए एक्स आई टू टू पावर आई ए एक्स क्या होता है, माइनस है तो ये हो जाएगा फॉर्मूला होगा कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, फार्मूला होता है ई टू पावर एक्स का माइनस आई एक्स का, तो कॉस एक्स और माइनस आई साइन एक्स होता है। तो यहाँ ए एक्स है तो यहाँ ए एक्स दे दिए, डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी को हम ये कर दीजिए, ब्रेक कर देते हैं, ई टू पावर आई ए एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका साइन एक्स, साइन ए एक्स बस कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए एक्स माइनस आई, यहाँ साइन ए एक्स बाई कॉस ए एक्स है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर आई साइन स्क्वायर ए एक्स बाय कॉस ए एक्स, साइन एक्स यानी टेन एक्स क्या होता है, टेन ए एक्स इसका टू साइन ए एक्स बाय कॉस ए एक्स है ना, तो यहाँ होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन ए एक्स बचा, और यहाँ साइन ए एक्स बाय कॉस ए एक्स का तो साइन एक्स दो है तो इसलिए स्क्वायर हो गया, यहाँ कॉस ए एक्स हो गया, ये ब्रैकेट में कर देते हैं सबका इन ये डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे ए एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे इसको, दिस इज इक्वल्स टू ई टू पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन साइन ए एक्स माइनस आई आई इंटू कर दीजिए इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर ए एक्स, साइन को ब्रेक कर देते हैं बाय कॉस ए एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब इसको फिर से अलग अलग कर देते हैं, इसको अलग अलग करके देखिए, दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रख देते हैं इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स माइनस आई, आई तो रहेगा ही वन बाय कॉस ए एक्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक ए एक्स, सेक ए एक्स डी एक्स, आई माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आई, आई से तो सब में मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू कॉस कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए एक्स डी एक्स, क्लियर है। अलग कर दिए, साइन ए एक्स अलग हो गया, माइनस आई बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स वन बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स और कॉस स्क्वायर है, अलग अलग करते आई से मल्टीप्लाई होगा, आई इंटू लिख दिए माइनस माइनस प्लस हो गया, आई कॉस ए एक्स आई कॉस एक्स कट जाएगा तो एक कॉस एक्स बचेगा, इतना बचेगा। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट करने पर क्या होगा वन बाय आई टू द पावर आई ए एक्स और ये हो जाएगा साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स बाय ए और यहाँ हो जाएगा माइनस आई आई ए नीचे चलाएगा आई बाय ए लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, इसका होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये हो जाएगा प्लस आई कॉस का होता है साइन ए एक्स बाय ए, क्लियर है ए एक्स बाय ए। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, माइनस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस वन बाई निकल जाएगा तो ई टू द पावर आई ए एक्स, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस निकल गया तो कॉस ए एक्स बचा, और ये निकल जाएगा क्या, यहाँ माइनस ले लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस आई साइन ए एक्स बचेगा, इसमें इसमें इसका लेंगे ये दोनों इसमें और इसमें, तो माइनस कॉमन है तो इसलिए माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और वन बाई ए निकाल दिए हम माइनस, तो ये इतना बचेगा, ये हो गया इस तरह से। और कुछ मकसद के कारण इसको एक साथ किए हैं, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस ए निकल चुका है मेरा, अब माइनस भी निकल चुका है तो इसलिए प्लस हो जाएगा आई लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों माइनस वन बाई ए निकाल लिए बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस ए एक्स, यह आ जाएगा माइनस निकल जाएगा, माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस रह गया आई साइन ए एक्स, तो ये आई ए माइनस निकल गया तो आई बचा, ए निकल गया तो आई लॉग इतना बचा। अब आइए इसको क्या करते हैं, यही फार्मूला इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है ई टू द पावर आई ए एक्स, आई ये भी फार्मूला होता है ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स, ये होता है इसलिए इसको इस इकट्ठा लिखे थे, इसका फार्मूला हो जाता है ये जो ब्रैकेट किए हैं ये इसका ये फार्मूला होता है, प्लस प्लस ये हो जाएगा आई आई ई टू द पावर आई लॉग आई ई एक्स ई टू द पावर लॉग, ये नहीं ई नहीं रहेगा, आई लॉग सेक ये जो कहते हैं रहेगा ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, ये जो कहते हैं रहेगा, केवल इसके बदले में लिखाया ई टू पावर माइनस आई ए एक्स। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा माइनस वन बाई ए ई टू पावर आई ए एक्स इंटू ई टू पावर माइनस आई ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये वन हो गया आई, यहाँ पर क्या बचेगा वन प्लस ये यहाँ क्या हो जाएगा ई टू पावर आई इंटू माइनस लिए हैं कॉमन तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या डिवाइड होने पर क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या ई टू पावर आई ए एक्स प्लस में आएगा, ई टू पावर आई ए एक्स प्लस में आ जाएगा लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स। अब ये दोनों क्या होगा पावर दोनों क्या बेस सेम है, पावर क्या है प्लस माइनस जीरो हो जाएगा तो ई टू पावर जीरो यानी वन हो जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू ये माइनस वन बाय ए ई टू पावर जीरो आई हो जाएगा वन प्लस आई ई टू पावर आई ए एक्स लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, क्लियर है। अब आइए अब क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू यही हो गया हमारा पी आई देर फोर अभी अभी पी आई ने माइनस वन बाई ए आई हो जाएगा वन प्लस आई ई टू द पावर आई ए एक्स लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, इतना आया किसका केवल एक का डी माइनस आई ए टेन ए एक्स का आया इतना, तो हमारा क्या होगा ये इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नाउ चेंजिंग, तब हम उसको हम सिमिलरली करके निकाल सकते हैं नाउ चेंजिंग, अगर हम यहाँ पर क्या डी माइनस आई ए है तो आई वहाँ डी प्लस आई ए है तो माइनस जगह पर हम प्लस कर देते हैं तो क्या नाउ चेंजिंग नाउ चेंजिंग आई टू माइनस आई आई टू प्लस आई टू माइनस आई माइनस आई की जगह पर हम चेंज करते हैं प्लस आई वी हैव वन बाय डी प्लस आई ए टेन ए एक्स क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू
यहाँ माइनस वन बाई ए तो रहेगा ही, और यहाँ क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, आई ई टू द पावर, यहाँ प्लस है आई की जगह पर तो यहाँ माइनस आई ए एक्स हो जाएगा, क्योंकि आई की जगह पर क्या चेंज कर देंगे, केवल माइनस आई चेंज करेंगे, बाकी सब तो वही रहेगा, लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, एक निकाल दिए दूसरा का भी निकल गया सेम। अब देयर फोर क्या हो जाएगा, देयर फोर पी आई इज कस्ट हो, देयर फोर पी आई इज कस्ट हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन बाय टू आई ए है ही, वन बाय टू आई ए है ही, अब ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस वन बाय ए, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में है, और ब्रैकेट में मेजली ब्रैकेट कर देते हैं, वन प्लस आई ई टू द पावर आई ए एक्स, यहाँ प्लस है शुरू वाला ये प्लस है, और लॉग सेक एक्स, सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, सेक एक्स टेन ए एक्स, ये आ जाएगा, यहाँ ए एक्स है, ये नहीं है कुछ, ये हो गया प्लस प्लस वन बाय ए, प्लस वन बाय ए, ये हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में कर देते हैं, ब्रैकेट में अब ये लिखाएगा प्लस वन बाय ए, ये माइनस वन बाय ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस है, यहाँ चूँकि यहाँ प्लस इसलिए आएगा कि ये माइनस है, और यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ है वन बाय डी माइनस ए के तो पहले लिखे, और ये इसका लिखाएगा माइनस, माइनस 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 क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस वन बाय ए हो जाएगा, वन बाय ए, इसको पेज को पलटना होगा, वन बाय ए, यहाँ वन बाय ए यही लिखाएगा, वन माइनस ए ये हो गया वन बाय ए, वन माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन माइनस आई ई टू द पावर प्लस आई ई टू द पावर क्या आ जाएगा, ये प्लस आई एक्स, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, लॉग इतना आएगा, क्लियर, दिस इंप्लाई इनटू में रहेगा ये, इनटू में प्लस प्लस, यानी वन बाय ए यहाँ यहाँ लिख दिए हैं, वन बाय ए इसको काट देते हैं, तो प्लस क्या लिखाएगा, प्लस प्लस वन बाय ए, और ये ब्रैकेट मझली ब्रैकेट में वन माइनस ई टू द पावर आई इंटू ई टू पावर माइनस आई एक्स आई ए एक्स, उसमें क्या था माइनस, इसमें प्लस प्लस है, इसमें भी प्लस, लॉग 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 माइनस आई ए एक्स रहेगा, प्लस लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, सेम चीज़ है, केवल आई के जगह पर माइनस आई लिखाएगा, और चीज़ तो सब सेम ही था, ब्रैकेट बंद इसको कर दीजिए, अब कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ लिखेंगे दिस इज कस टू वन बाय टू आई ए तो था ही पहले से, वन बाय टू आई ए पहले से है, और दोनों में कॉमन क्या है, वन बाय ए, वन बाय ए कॉमन है, तो वन बाय ए निकाल लेते हैं, इंटू वन बाय ए निकल जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ माइनस वन बाय ए है इसमें, तो माइनस के बदले में माइनस वन लिखाएगा यहाँ पर, माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस लिख माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या हो गया, माइनस वन बाय ए कॉमन लेंगे तो वन माइनस माइनस वन माइनस ई आई ई टू द पावर आई ए एक्स लॉग सेक ए एक्स लॉग लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, ये था, केवल वन बाय ए कॉमन लिए हैं, वन बाय ए तो या प्लस क्या आ जाएगा, प्लस वन, इसमें ये वन बाय ए कॉमन लिया तो प्लस वन रहेगा, और प्लस वन माइनस माइनस आई ई टू पावर माइनस आई ए एक्स लॉग लॉग
सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कॉमन है, दिस इज इक्वल टू वन बाय, यहाँ हो जाएगा वन बाय टू आई ए स्क्वायर, क्लियर है, ये टू आई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अब यहाँ पर वन बाय टू आई ए स्क्वायर, तो इसको दिस इज इक्वल टू, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, लॉग सेक एक्स, लॉग माइनस लॉग सेक एक्स, सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, कॉमन ले लेंगे दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा माइनस ले निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा ई आई ए एक्स, और आई भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ही आई भी कॉमन आएगा दोनों में, इंटू आई, आई कॉमन ले लेते हैं, ये ई आई ए एक्स इंटू आई यहाँ कर दीजिए, कॉमन रहेगा, ये आई है, ये आई कॉमन ले लिए, लॉग से माइनस लॉग इतना बचेगा ई आई एक्स, और ये प्लस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स, क्लियर है। अब ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वन बाय माइनस ए स्क्वायर, केवल ए स्क्वायर रखते हैं, लॉग, समझ में आ रहा नहीं, ये आई इसका है, ये दोनों में है, दोनों में निकाल लिए, तो ये माइनस निकला है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस निकला इसमें भी, माइनस निकला इसमें भी, तो प्लस हो जाएगा, इतना कॉमन आया, ये आई लॉग सेक एक्स टेन एक्स इसमें भी है, आई लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लिए हैं माइनस, तो ये क्या, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस ले तो प्लस आ जाएगा ये, अब ये टू, अब यहाँ करते हैं, ये माइनस बाहर कर लिए, इतना लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स, आई हो जाएगा ई टू पावर आई ए एक्स प्लस ई माइनस आई ए एक्स बाय टू, ये वाला टू यहाँ कर लिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस वन बाई ए स्क्वायर लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स इन टू कॉस ए एक्स, इसका हो जाएगा फॉर्मूला कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स का तो आई ए एक्स माइनस ई टू पावर आई एक्स, आई ई टू पावर आई एक्स प्लस ई टू पावर माइनस आई एक्स बाय टू होता है कॉस एक्स, तो यहाँ ए एक्स है तो इसलिए ए एक्स हो गया, यहाँ क्लियर है, पी आई देयर फॉर पी आई इज इक्वल टू, लिखेंगे अब हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस इज y इज इक्वल टू सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस प्लस पी आई, दिस इज इक्वल टू क्या होगा सी एस प्लस सी एफ प्लस पी आई, सी एफ क्या निकला है हमारा, निकला है y इज इक्वल टू, देयर फोर y इज इक्वल टू सी एफ निकला है सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, आइए हो जाएगा माइनस वन बाय पी आई हो गया माइनस वन बाय ए स्क्वायर लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स आई इंटू इंटू कॉस ए एक्स, ये हमारा आंसर हो गया, यही आंसर, थोड़ा बड़ा है थोड़ा सा कठिन भी है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, सॉल्व डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इसका टू ई टू पावर माइनस टू एक्स साइन टू एक्स। सो सिंपल, अब इसको हम बनाएंगे कैसे? पहले तो हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, लिखेंगे। अभी इस सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दिया हो तो इसलिए इसमें लिखना पड़ेगा। गिवन गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स आई इंटू वाई, डी टू वाई हो गया ये, फाइव डी वाई प्लस सिक्स वाई तो वाई कॉमन ले लिए, दिस इज कॉस टू ई टू पावर माइनस टू एक्स साइन टू एक्स। क्लियर है? इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आ जाएगा इक्वेशन, एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस सिक्स इसका टू जीरो, इसी को हम करेंगे और एम स्क्वायर इसका मिडिल टर्म टूट जाएगा, एम स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्स का थ्री टू या सिक्स, थ्री टू क्या होता है फाइव होता है, बीच वाला अंक भी आ जाता है थ्री प्लस टू, यानी एम स्क्वायर प्लस प्लस कितना टू एम प्लस थ्री एम प्लस सिक्स इसका टू जीरो, एम कॉमन ले लेते हैं, एम एम प्लस टू प्लस थ्री कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एम प्लस टू इसका टू जीरो, तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज डेट, और एम प्लस टू कॉमन लेंगे दोनों में से आई इंटू एम प्लस थ्री इसका टू जीरो, देयर फोर एम इसका टू क्या हो गया, इक्वेट करेंगे जीरो से तो क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री, डिफरेंट आ गया हमारा डिफरेंट रूट्स, देयर फोर सी एफ इसका टू, देयर फोर सी एफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका टू क्या हो जाएगा डिफरेंट है सी वन ई टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स। सो सिंपल, क्लियर है? अब आइए नाउ पी आई इसका टू नेक्स्ट पेज में, नाउ नाउ पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी कितना है वन बाय फंक्शन ऑफ डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी फंक्शन वन बाय फंक्शन ऑफ डी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ डी कितना है वन बाय डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स आई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स क्या ई टू पावर माइनस टू एक्स और साइन टू एक्स। पहला फंक्शन ये है इसका करेंगे पहले, उसके बाद कुछ करेंगे, तो यानी दिस इज जिसको हम करते हैं ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो ई टू पावर माइनस टू एक्स का निकालेंगे पहले, तो इसको करेंगे फंक्शन इस इधर लिख लिए, डी पर पावर कितना है ई पर पावर माइनस टू एक्स है तो डी में कितना पुट करेंगे हम माइनस टू, यानी डी माइनस टू का स्क्वायर जहाँ जहाँ डी है अल्फा यानी ए पुट करते हैं डी प्लस ए, तो यहाँ ए के बदले में क्या है एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला हम बताए थे डी प्लस ए पुट करते हैं तो डी प्लस ए एक्स एक्स रहता है ई टू पावर ए एक्स रहता है, तो एक जगह पर क्या माइनस टू तो माइनस टू पुट किए डी प्लस ए थी डी माइनस टू हो गया प्लस फाइव इंटू डी माइनस टू प्लस सिक्स इसका क्लियर हो गया। यहाँ क्या है साइन टू एक्स लिख दीजिए, क्लियर है? अब हम ई टू द पावर माइनस टू एक्स यहाँ हो जाएगा वन बाय डी स्क्वायर माइनस फोर डी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर और प्लस फाइव डी माइनस टेन प्लस सिक्स इंटू साइन टू एक्स। क्लियर है? अब क्या होगा ई टू द पावर माइनस टू एक्स और यहाँ आ जाएगा कितना डी स्क्वायर
और ये क्या माइनस फोर डी, कितना बचेगा फाइव डी, डी स्क्वायर माइनस फोर डी, आइए माइनस टेन, सिक्स प्लस फोर, ये सिक्स प्लस फोर टेन, आइए माइनस टेन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डी स्क्वायर प्लस डी, फाइव डी में से फोर डी सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस डी, यहाँ हो जाएगा साइन टू एक्स। अब पुट क्या करेंगे, पुट अब इसका क्लियर करेंगे, पुट डी का डी स्क्वायर इसका टू माइनस टू का स्क्वायर, यही पुट करते हैं, बी एक्स ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी, तो डी स्क्वायर इसका टू माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या है, ए क्या है टू है, तो माइनस टू का स्क्वायर पुट करेंगे, ई टू पावर माइनस टू एक्स, और वन बाय डी स्क्वायर की जगह पर क्या करें, माइनस टू का स्क्वायर प्लस डी साइन टू एक्स। मेथड याद रखिएगा, दो चार क्वेश्चन बनाने के बाद अपने आप मेथड याद हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टू एक्स, आगे हो जाएगा वन बाय, वन बाय कितना माइनस फोर एट, यानी डी माइनस फोर, डी माइनस फोर, इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, क्यों करते हैं रेशनलाइज, क्योंकि डी स्क्वायर में पुट करने के लिए जब तक अंक नहीं आएगा तब तक हम पुट करेंगे, डी स्क्वायर को पुट करेंगे, तो यानी रेशनलाइज क्या करेंगे, डी माइनस फोर है तो यहाँ डी प्लस फोर कर दीजिए, नीचे भी डी प्लस फोर कर दीजिए, आइए साइन टू एक्स हो गया, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म लाने के लिए, तो अब दिस इज इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस टू एक्स, आइए डी प्लस फोर बाय डी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन साइन टू एक्स, फिर पुट करेंगे कितना, पुट डी स्क्वायर इसका टू माइनस टू का स्क्वायर, अब नीचे अंक आ जाएगा, इजी है, तो दिस इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टू एक्स डी प्लस फोर बाय माइनस टू का स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, यहाँ साइन टू एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, कितना गया माइनस फोर आप माइनस सिक्सटीन, कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर आप माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी, यानी माइनस वन बाय ट्वेंटी ई टू पावर टू माइनस टू एक्स, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा डी साइन एक्स साइन टू एक्स प्लस फोर साइन टू एक्स, ये अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन टू एक्स से, ये कॉमन रह जाएगा, अब क्या होगा इसका, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय ट्वेंटी ई टू पावर माइनस टू एक्स, और डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी मतलब डी बाई डी इजकल्स टू, सिंस डी इजकल्स टू डी बाय डी एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा टू एक्स के रिस्पेक्ट, यानी टू कॉस टू एक्स प्लस फोर साइन टू एक्स, टू कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टेन कटेगा ना, टू टेन जा तो इन टू ई टू पावर माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस टू कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ टू साइन टू एक्स, देयर फोर पी आई इज इक्वल्स टू, यहाँ देयर फोर पी आई इज इक्वल्स टू, पी आई हमारा निकल गया, हैंस हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस इज वाई इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ वाई इज इक्वल्स टू, देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू सी एफ कितना हो गया सी वन ई टू द पावर कितना था माइनस टू एक्स, एक माइनस टू आया एक माइनस थ्री आया था, तो ए माइनस टू एक्स अब प्लस सी टू इंटू ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, अब प्लस ये प्लस नहीं यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाई टेन ई टू द पावर माइनस टू एक्स आ कॉस टू एक्स, ये आ जाएगा इसका ये पी आई है, तो ये टू एक्स कॉस टू एक्स प्लस टू साइन टू एक्स, यही आंसर हो गया। यही आपका ये आंसर है, ज़्यादा भारी नहीं था, ये बहुत सिंपल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, दो चार मिनट ज़्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर कितना था एट, क्वेश्चन है नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन,
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये तो थोड़ा सॉल्व। d4 + 2d² + 1 × y = x² cos x, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी सॉल्यूशन। यह है d4 + 2d² + 1 × y = x² cos x। द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज d4 + 2d² + 1 × y = x² cos x। यहाँ x स्क्वायर है, थोड़ा सा डिफरेंट तो है ही, तो इट्स बनेगा सेम तरीके से, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आ जाएगा m4 + 2m² + 1 = 0, यानी ये हो गया और m² + 1² = 0, तो ये हो गया, इसी को और लिख सकते हैं m² + 1 × m² + 1 = 0, चूँकि इक्वेट कर करके हमको m का वैल्यू लाना है, इसलिए देयर फोर m² - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 का i² तो m² क्या होगा ±i, दूसरा का भी वही होगा ±i, यानी 4 रूट होगा हमारा, तो 4 रूट होगा तो क्या हो जाएगा देयर फोर cf कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा c1 + c2x cos x, दोनों सेम है, c1 + c2x + cos x, सिमिलर कारण i है, +c3 + c4x × sin x, चूँकि अल्फा है 0 और अल्फा माइनस आई बीटा, तो अल्फा प्लस आई बीटा दो सिमिलर है, इसलिए सिमिलरिटी के कारण ये c1 + c2x cos x हो गया और c3 + c4x × sin x हो गया, e^ax हो जाएगा हमारा, क्या ये 0 है, 0 हो जाएगा, अल्फा क्या है 0 है, इसलिए नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू नाउ pi इज इक्वल टू 1/d² + 1² × x² cos x। अब यहाँ आना होगा दिस इज इक्वल टू 1/d² + 1² × x² और हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ e^ix, क्या है रियल पार्ट है e^ix, प्लस में एगो माइनस में रहता है तो एगो रियल पार्ट होता है, चूँकि कॉस एक्स को क्या होता है, चूँकि कॉस एक्स होता है क्या e^ix और प्लस e^-ix होता है -ix, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट एक्स ix और -ix, तो ये हो गया रियल पोर्शन ऑफ e^ix, हम लेंगे इसमें रियल पार्ट ऑफ e^ix, तो इसको कॉस एक्स के बदले में लिखेंगे, कॉस एक्स के बदले में e^ix प्लस में e^-ix निगेटिव में, तो ये इधर लिखिए re, यानी रियल पार्ट ऑफ e^ix, और यहाँ क्या पुट होगा d में ax लिए हैं, तो क्या d में क्या पुट होगा i² और +1 का
होल स्क्वायर आई इंटू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है। अब ये जो है रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू आर ई रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स वन बाय इसका डी स्क्वायर प्लस टू आई डी माइनस वन यानी आई स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर प्लस टू आई डी आप प्लस आई स्क्वायर स्क्वायर जगह माइनस वन आप प्लस वन इसका स्क्वायर कर दीजिए वन वन कैंसिल हो जाएगा दिस इंटू एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया दिस इज इक्वल्स टू आर ई रियल पार्ट ऑफ यह हो जाएगा ई टू पावर आई एक्स आई इंटू वन बाय डी स्क्वायर प्लस टू आई डी डी स्क्वायर प्लस टू आई डी का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर यही है दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाई डेट यही हो जाएगा आर ई रियल पार्ट ऑफ ये हो जाएगा ई टू द पावर आई एक्स ये हो जाएगा वन बाय टू आई डी कॉमन ले लेते हैं हम टू आई डी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा टू आई डी का स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं चूँकि वन प्लस डी में यानी एक्स स्क्वायर है वन माइनस आई बाय टू डी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा इंटू एक्स स्क्वायर एक्स है तो हमको इमेजिनरी इसमें लाना होगा इमेजिनरी इंडेक्स बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार इमेजिनरी इंडेक्स में लाना यूनिटी बना करके इसको यूनिटी बनाए कॉमन लेने के बाद यूनिटी इसको कॉमन ले लिए तो यूनिटी के तो इसमें क्या होगा डी स्क्वायर बाई टू आई डी हो जाएगा आई बाई टू डी स्क्वायर है तो डी निकाल दिए हैं स्क्वायर निकल गया है डी स्क्वायर निकल गया है टू से डिवाइड कर दिए हैं क्लियर है टू आई डी कॉमन लेंगे तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और माइनस क्योंकि टू आई डी अगर कॉमन लेते हैं तो टू आई स्क्वायर फोर आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा फोर आई स्क्वायर डी स्क्वायर तो फोर आई स्क्वायर डी स्क्वायर के बदले में क्या टू से डिवाइड कर देंगे तो टू बचेगा इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर निकलेगा टू आई डी कॉमन लेंगे तो टू आई डी तो इसमें है ही एक डी बचेगा एक डी निकाल लिए बाहर और इसमें से टू डिवाइड करेंगे आई से तो आई नीचे डिवाइड करेंगे आई ऊपर डिवाइड करेंगे माइनस में आ जाएगा यानी आई बाय ये हो जाएगा टू आई नीचे अगर रहेगा तो टू आई तो इंटू आई से ऊपर कीजिए आई से ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा माइनस टू आ जाएगा आई बाय माइनस टू यानी आई बाय माइनस टू ये आएगा यही हो गया आई बाय माइनस आई बाय टू डी इसमें करेंगे क्योंकि टू आई डी से ये करेंगे तो डी स्क्वायर बाय टू आई डी डिवाइड करेंगे ना टू आई डी तो क्या हो जाएगा टू डी डी तो कैंसिल हो जाएगा आई ई आई के बदले में ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करने पर आई बाय आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस टू हो गया क्लियर है ये अब यहाँ पर आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर तो अब ये हो गया कॉमन ले लिए इतना तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया आर ई पी ऑफ यानी ये हो जाएगा फोर डी स्क्वायर आई स्क्वायर तो माइनस फोर हो जाएगा माइनस वन बाय फोर ई टू द पावर आई एक्स आई इंटू वन बाय डी स्क्वायर फोर आई स्क्वायर डी स्क्वायर के बदले में तो आई स्क्वायर की जगह माइनस फोर हो जाएगा माइनस फोर ले लिए और डी स्क्वायर रहेगा ही चूँकि आई स्क्वायर इसका टू माइनस वन होता है अब ये ऊपर चला जाएगा तो वन माइनस आई बाय टू डी का पावर कितना माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे किस पर बाइनोमियल थ्योरम पर आर ई पोर्शन ऑफ ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाय फोर ई टू द पावर आई एक्स इंटू वन बाय डी स्क्वायर ये हो जाएगा वन
प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है पावर इसलिए प्लस होगा, वन प्लस क्या हो जाएगा टू आई डी, टू आई डी बाय टू, टू आई डी बाय टू प्लस प्लस थ्री थ्री, टू आई डी बाय टू प्लस थ्री, ये हो जाएगा आई डी बाय टू का स्क्वायर है ना, वन प्लस ये अगर टू इंटू आई डी बाई टू प्लस थ्री इंटू आई डी बाई टू का होल स्क्वायर, इसी तरह से चलते चले जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको कर देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर, ये इंटू एक्स स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब आइए इसको आर ई पोर्शन ऑफ, ये हो जाएगा वन माइनस वन बाय फोर ई टू द पावर आई एक्स वन बाय डी स्क्वायर, आर ई इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से मतलब एक्स स्क्वायर, आप टू टू तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा प्लस आई, तो रहेगा टू आई एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे टू आई एक्स, आई इसका डिफ्रेंशिएट का आई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे माइनस थ्री बाई फोर, थ्री बाय फोर आई डी स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी एक बार डिफरेंस करें टू एक्स हो जाएगा, दूसरा बार डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा टू, यानी थ्री बाई फोर इंटू टू, थ्री आई स्क्वायर के बदले में लिखेंगे क्या, यानी ये हो जाएगा थ्री बाय फोर आई स्क्वायर डी स्क्वायर आई इंटू एक्स स्क्वायर, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे आई स्क्वायर के बदले में माइनस वन लिखाया, थ्री बाई फोर आई इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे डबल डिफरेंशिएट, पहला डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स आएगा, दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल टू आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो क्या आ जाएगा ये टू। अब हमारा क्या है एक्स स्क्वायर क्लियर हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इसको, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएट करके इतना टू आई एक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से आएगा इतना, यानी दिस इज इक्वल्स टू आर ई पी ऑफ माइनस वन बाय फोर ई टू पावर आई एक्स आर वन बाय डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू आई एक्स माइनस थ्री बाय टू। अब इसका एक बार वन बाय डी करेंगे तो क्या हो जाएगा आर ई ऑफ पी ऑफ क्या आ जाएगा माइनस वन बाय फोर ई टू पावर आई एक्स और वन बाई डी, एक एक डी करेंगे तो क्या वन बाई डी है, फंक्शन ऑफ वन बाई डी रहता है, फंक्शन ऑफ एक्स रहता है तो क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, तो वन बाई डी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू आई एक्स माइनस थ्री बाई टू डी एक्स, एक डी के कारण वन बाई डी के कारण ये इंटीग्रेशन लग गया, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आर ई ऑफ आर ई रियल पोर्शन ऑफ क्या आ जाएगा माइनस वन बाई फोर ई टू पावर आई एक्स और वन बाई डी रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टू एक्स 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 पावर थ्री, एक्स पावर थ्री बाई थ्री प्लस टू आई कॉन्स्टेंट है तो टू आई इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री बाई टू एक्स, ये होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या होगा एन पावर है तो एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है तो टू प्लस वन बाई टू प्लस वन इतना आ गया। अब ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में अब एक डी बचा है और क्लियर हो जाएगा। पी आई इज कस टू पी आई इज कस टू क्या हो गया आर ई पोर्शन ऑफ ये हो गया माइनस वन बाई फोर ई टू पावर आई एक्स आर वन बाई डी अगर है इसको क्या कीजिए
फिर कीजिए वन बाई डी हट जाएगा क्या इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम तो यही चीज़ आ जाएगा कितना हमको दिस इज इक्वल टू आर ई पोर्शन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा डबल इंटीग्रेशन कर इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस वन बाय फोर ई टू पावर आई एक्स और इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या एक्स फोर बाय और नीचे फोर आएगा फोर थ्री ट्वेल्व हो जाएगा एक्स फोर बाय ट्वेल्व और प्लस आई और एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस ये एक्स स्क्वायर बाई टू होगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया जे एक डी से हो गया उसका इंटीग्रेशन फिर दूसरा डी से ही इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन हो गया। अब यही चीज़ एलसीएम ले लीजिए इसको तो क्या हो जाएगा आर ई माइनस वन बाय फोर ले लेते हैं बाहर वन बाय फोर आर ई पोर्सन ऑफ ई टू दी पावर आई एक्स एलसीएम ले लेते हैं क्या हो जाएगा बार ट्वेल्व हो जाएगा ना एलसीएम एक्स फोर प्लस फोर आई एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर ये आ गया दिस इज इक्वल्स टू क्या माइनस वन बाय फोर ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट आर ई पोर्शन ऑफ क्या आ जाएगा इसके बदले में क्या लिखेंगे हम इसके बदले में लिखेंगे कॉस एक्स यानी कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स लिख सकते हैं इसके बदले में ई आई एक्स के बदले में इन टू ये बार ट्वेल्व तो निकल गया ट्वेल्व फोर जितना हो गया तो एक्स फोर प्लस फोर आई एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर यही बचा तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय फोर्टी एट यही हो जाएगा हम क्या करेंगे एक्स फोर रियल पार्ट लेते हैं एक्स फोर रियल पार्ट ऑफ इतना एक्स फोर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर रियल है और इसको इसके साथ रख रियल का साथ रखेंगे इंटू कॉस एक्स माइनस फोर एक्स क्यू माइनस ये हो जाएगा फोर एक्स क्यू आई आई कैंसिल हो जाएगा रियल पार्ट और इसको इक्वेट करेंगे तो फोर माइनस फोर एक्स क्यू कॉस एक्स माइनस फोर एक्स क्यू साइन एक्स हेंस यही पी आई हो गया हेंस हेंस सी एस इजकल्स टू कंप्लीमेंट्री कंप्लीट सॉल्यूशन इज इजकल्स टू वाई इजकल्स टू क्या होगा सी वन प्लस सी टू एक्स कॉस एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस था प्लस वन बाय फोर्टी एट फोर एक्स माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें माइनस निकाल देते हैं इसमें से भी तो ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस में चला जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इसमें से कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस नाइन आ इंटू कॉस एक्स यही ये हो जाएगा यही आंसर हो गया यही आंसर हो गया क्लियर है इसको समझ लीजिएगा फिर दोबारा समझने के लिए उसके बाद आगे कर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे और आज के लिए इतना ही थोड़ा लंबा जरूर हो गया देर हो गया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्वेश्चन चार क्वेश्चन सॉल्व हो गया नेक्स्ट लेक्चर में चार क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तब उसके बाद पर्टिकुलर ये बताएंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू।